खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के मद्देनजर पुराने लखनऊ में एलडीए ने अवैध बिल्डिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनी कमर्शियल बिल्डिंग को अधिकारियों ने सील किया है। इस दौरान आपको बता दें कि एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी और ज्वाइंट सीपी के साथ भारी पुलिस बल और एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। एक कॉम्प्लेक्स था, इसमें 90 दुकानें बनी थी। सीलिंग पहले ऑर्डर जारी हुआ था, सीलिंग ऑर्डर तो वायलेट करके उन्होंने फिर से अपनी दुकानें बनाई और ध्वस्तीकरण आदेश भी अभी जुलाई में पारित हुआ, उसके बाद भी निर्माण काम जारी रखा और नई दुकानें खोलने की स्थिति में शिकायत गंभीर मिली थी कि प्राधिकरण के लोग भी इसमें उनके कन्वेंस, तो मुझे आना पड़ा। अभी सीलिंग कार्रवाई हुई है।